बैक केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। ठीक है, आइए। जैन धर्म, जैन शब्द तो है जो जिन शब्द से निकला है। किससे? जिन है इसका अर्थ है वो विजेता। जिन का अर्थ होता है विजेता, मतलब इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, अब जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24, 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या होता है? संसार सागर से पार लगाने वाला। तीर्थंकर का मतलब होता है संसार सागर से पार लगाने वाला। अब कुछ तीर्थंकरों के नाम देख लेते हैं। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव, बाईसवें तीर्थंकर बाईसवें अरिष्टनेमि, हाँ 23वें पार्श्वनाथ, और 24वें महावीर स्वामी, 24वें महावीर स्वामी। अब देखिए, ये जो तीर्थंकर हैं इनमें से केवल दो की ही ऐतिहासिकता सिद्ध की जा चुकी है, बाकी की ऐतिहासिकता नहीं सिद्ध की जा चुकी। ठीक है, अब जो ये 22वें तीर्थंकर जो नैमिनाथ थे वो भगवान कृष्ण के समकालीन थे, ऐसा जैन ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, कृष्ण के समकालीन। ठीक है, इन दोनों की ऐतिहासिकता सिद्ध की जा चुकी है। अब इतिहास में इसलिए इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी ऐतिहासिकता। सिद्ध है, सिद्ध की जा चुकी है। ठीक है, कहाँ के थे ये? गुजरात के। गुजरात के अंदर सुमेध पर्वत हैं, सुमेध पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके जो पिता का नाम अश्वसेन, माँ का नाम वामा, ठीक है। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को श्वेत वस्त्र धारण करने का उपदेश दिया अपने अनुयायियों को। श्वेत
वस्त्र धारण करने का बोला। इन्होंने चार शिक्षाएं दी इन्होंने। देखिए अब उनके नाम, उनके बारे में देखते हैं। इन्होंने अपने अनुयायियों को चार महाव्रत दिए, ठीक है। कौन कौन से थे चार महाव्रत? पार्श्वनाथ दिए है ना। पहला है सत्य, अहिंसा, अस्तेय अपरिग्रह। ये चार दिए किन्होंने? पार्श्वनाथ ने। और इसके अंदर एक महावीर स्वामी ने एक पांचवा जोड़ा, वो है ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा। महावीर स्वामी, अब पार्श्वनाथ स्वामी की बात हो गई। अब बात करते हैं जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी की, जो इनके प्रवर्तक माने जाते हैं जैन धर्म की। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का जो जन्म है, ये बचपन का नाम था वर्धमान था। 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ। देखो बचपन का नाम वर्धमान, इनके पिता पिता सिद्धार्थ, ठीक है। माता त्रिशिला, जो चेटक की बहन थी, चेटक। कब हुआ जन्म? 540 BC में। और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। अनुजा प्रियदर्शिनी, इनका विवाह एक जिससे हुआ, इनका जो जमाई था जामाली। ठीक है,
अब देखिए इनकी कहानी सुन लेते पहले। अब शादी हो जाने के बाद ये 30 वर्ष की उम्र के अंदर अपने भाई नंदीवर्धन, इनका भाई का नाम था नंदीवर्धन, और उनसे आज्ञा लेकर एक समारोह आयोजित किया, और उस समारोह में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। और संन्यास ग्रहण करने के बाद में ये एक नालंदा गए, और नालंदा में इनका एक दोस्त मिला इनका, उनका नाम था मखलीपुत्र गोसाल। क्या नाम था? मखलीपुत्र गोसाल, यह नाम लिखते तो मखलीपुत्र गोसाल। वो स्वयं भी एक आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक था। फिर इन दोनों ने मिलकर 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद में फिर मखलीपुत्र कुछ उसके कुछ समय बाद में ये मखलीपुत्र गोसाल जो है वो महावीर स्वामी का साथ छोड़कर ये तो चले गए। फिर उसके 13 महीनों बाद महावीर स्वामी ने जो कपड़े पहने थे वो भी छोड़ दिए, ने कपड़ों का भी त्याग कर दिया। तो कपड़ा त्याग उसके बाद उसके फिर 42 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हुई, और ज्ञान प्राप्त हुई उसकी कुछ घटनाएं हैं। नदी का नाम है जो है वो लिख देते एक बार। महावीर स्वामी को देखो, ये रिजुपालिका नदी के किनारे 42 वर्ष की उम्र के अंदर रिजुपालिका नदी थी, रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे नीचे जंबिय ग्राम महावीर भगवान बुद्ध को तो बोध गया में मिला था, इनका जो ग्राम था जंबिय ग्राम, रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जंबिय ग्राम में वो ज्ञान प्राप्त हुआ। अब जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो जिन कहलाई, केवल्य कहलाए, जिन कहलाए, ठीक है। केवल्य कहलाए, केवलिन कहलाए, केवलिन तो केवल्य, केवलिन अहर्त, केवलिन अहर्त महावीर। उससे पहले तो इनका नाम जो था वो वर्धमानी था। इनको इन्होंने सबसे पहले राजगृह की वितुलाचल पहाड़ी है उसके ऊपर इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश कहाँ दिया इन्होंने, पहला उपदेश दिया राजगृह की वितुलाचल पहाड़ी पर, राजगृह की वितुलाचल पहाड़ी। फिर ज्ञान प्राप्त, फिर जो इनका जो इनका जो जो जमाई था, जामाली था उनका जो जमाई था, इनकी ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में, यानी कि जामाली था वो इनका पहला शिष्य भी जामाली था, पहला शिष्य जो था वो भी जामाली ही था, ठीक है। और जामाली ने ही उनके ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में विद्रोह कर दिया कि भाई कि मैं आपके जो जो आप जगह आपका जो मत है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं इसका विरोध करता हूं। बात क्या थी विरोध करने की? मान लो कोई चीज है, किसी व्यक्ति ने चोरी चोरी करने का मन में आया, यानी कि किसी चीज का मेरे एक आदमी है ये,
ठीक है, इस व्यक्ति ने ये इस चीज़ को चोरी करने का मन में आया, तो महावीर स्वामी के अनुसार अगर इसके मन में चोरी करने का भाव आ गया है तो महावीर स्वामी के अनुसार ये उस पाप के बराबर ही भागी होगा चोरी, जो चोरी करने के बाद जो पाप होता है। और जामाली कहता है कि भाई नहीं, चोरी करने का मन में भाव आना और चोरी करना वो दोनों अलग अलग बात है। इसी बात के ऊपर दोनों के अंदर विरोध हो गया और इन्होंने महावीर स्वामी का साथ छोड़ दिया। और एक तीसगुप्त हुआ था, तीसगुप्त, इन्होंने भी महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में विद्रोह कर दिया। ठीक है, महावीर स्वामी ने 11 गणधरों की स्थापना की अपने ज्ञान को फैलाने के लिए। 11 गणधरों की स्थापना ये सारे के सारे ब्राह्मण थे, क्या थे, ब्राह्मण थे। फिर महावीर स्वामी जब एक बार पावा गए, पावा में वो राजा शास्त्रीपाल रहता था, राजा शास्त्रीपाल के महल में उनकी मृत्यु हो गई, BC 468 में। ये तो राम महावीर स्वामी का जीवन। अब इनकी शिक्षाओं की बात करते हैं, महावीर स्वामी की जी की शिक्षा। महावीर स्वामी के अनुसार प्रकृति के अंदर जीव और अजीव दो चीजें होती है, जीव और अजीव। जो शरीर जो होता है मन, वो जीव और अजीव दो चीज़ों से मिलकर है। जीव तो वही अंदर की जो चेतन तत्व होता है वो, अजीव है वो जड़ तत्व होता है, वो खुद पांच चीज़ों से मिलकर बनता है। धर्म अधर्म, काल, आकाश और पुद्गल, ये जीव की क्रिया में सहायक तत्व, जीव की क्रिया में सहायक तत्व, ये अक्रिया में। आकाश आप जानते हो, काल समय, पुद्गल वही जो जीवों को अपने कर्म से रोकता है, जड़ तत्व यानी कि शरीर। के चार पांच कुछ टर्म की बात कर लेते हैं। देखो इधर आश्रम, बंधन, संवर, निर्जरा और मोक्ष, आश्रम जो होता है कर्मों का, आदमी जो कर्म करता है कर्मों का पुद्गलों की तरफ बढ़ना, पुद्गलों से चिपक पुतलों की तरफ बढ़ना,
और जाना। कर्मों का बुध ग्रहों से चिपक जाना। कर्मों का बुध ग्रहों से झड़ जाना। चिपक जाना ये पुद्गलों से रुक जाना, पुद्गलों की तरफ जाने से रुक जाना। जाने से रुक जाना। निर्जरा कर्मों का पुद्गलों से झर जाना। समस्त कर्मों का पुद्गलों से झर जाना। ठीक है, अब इधर अब देखिए आप, आश्रव जो होता है वो कर्मों का पुतलों से पुतलों की ओर जाना, यानी कि जो कर्म होते हैं वो जड़ तत्व की तौर जाएंगे, अपने शरीर की ओर जाएंगे, कर्म अपने शरीर से चिपक जाएंगे, अपनी ओर जाएंगे, तो वो आदमी बंधन में चला जाएगा, यानी कि उसको कहते हैं आश्रव। और बंधन जो होता है कर्मों का पुतलों से चिपक जाएगी, यानी कि वो आदमी पूरा का पूरा बंधन में बन जाएगा, तो उसे कहते हैं बंधन। और संवर क्या होता है, कर्मों का पुद्गलों की ओर जाने से रुक जाना। अगर वो कर्म है वो पुद्गलों के आने से रुक जाएंगे, यानी कि रुक जाएंगे, आगे और नहीं बढ़ेंगे, तो वो संवर कहलाएगा। और पहले से जो कर्मों का पुद्गलों से जर जाना, कर्मों का पुद्गलों से जर जाना, वो कहलाएंगे निर्जरा। और समस्त जो कर्म जो पहले भी चिपके हुए थे पुद्गलों की तरफ, तो वो सारे के सारे कर्म जड़ जाएंगे, तो उसको कहेंगे मोक्ष। और जो मोक्ष जो है वो उसके अंदर वो जैन धर्म के अंदर उसको मोक्ष जो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, और उस निर्वाण को जैन धर्म के अंदर मोक्ष कहा गया है। और मोक्ष प्राप्त जिसको होता है, और जैन धर्म में उस स्थान का नाम है सिद्धशिला। ठीक है, अब जैन धर्म के त्रिरत्नों की बात करते हैं। त्रिरत्न जैन धर्म के अनुसार दुखों का जो मूल कारण है वो अविद्या है, अविद्या। ठीक है, तो इन दुख से मुक्ति पाने के लिए इन तीन त्रिरत्नों का पालन करना आवश्यक है। वो तीन रत्न कौन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक
ज्ञान और सम्यक चरित्र यानी कि जो महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं तो उनको उनकी ओर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सम्यक ज्ञान है तो महावीर स्वामी के जो उपदेश वगैरह हैं तो उनका पालन करना चाहिए, उनकी प्राप्ति करनी चाहिए, और जो पहले से जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनको अपने जीवन के अंदर उतारना चाहिए, वो है सम्यक चरित्र, ठीक है। लिख लीजिए। जो मोक्ष की स्थिति में जो व्यक्ति जो होता है उसको अनंत सातुष्टय की प्राप्ति होती है, अनंत अनंत सातुष्टय, ठीक है, अनंत ज्ञान मोक्ष प्राप्त व्यक्ति, अनंत ज्ञान अनंत 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 दर्शन अनंत वीर्य अनंत सुख ठीक है। ये अनंत सत्य जो जिसको मोक्ष प्राप्त होती है उसको ये अनंत सातुष्टि प्राप्त होते हैं। अब जो जैन धर्म के अंदर पांच प्रकार के ज्ञान की बात की गई है, पांच प्रकार के ज्ञान कौन कौन से, पांच प्रकार का ज्ञान, पांच प्रकार का ज्ञान, मति श्रुति अवधि मन पर्याय और पांचवा है कैवल्य, ठीक है। मति जो साधारण ज्ञान होता है वो है सुनकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान। अवधि यानी किसी न किसी समय वो ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा, यानी कि समय के आधार, समय होने पर अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बड़ा कोई आदमी बड़ा होता धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है, समय के अनुसार, समय के अनुसार ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है। ठीक है। मन पर्याय यानी कि दूसरों के मन की बात जान लेना, दूसरों के मन की बात जान लेना वो मन पर्याय कैवल्य होता है, वो सबसे अहम ज्ञान, संपूर्ण बातों को जान लेना, सब कुछ जान लेना। महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था तो वही दूसरों के मन की बात, ठीक है। अब दो उन सिद्धांतों की बात करते हैं, एक तो अनेकांतवाद और स्यातवाद। अनेकांतवाद ठीक है, इसको
जैनों का तत्व मीमांसा का सिद्धांत भी कहते हैं। जैनों का तत्व मीमांसा का सिद्धांत। इनके अनुसार जो इस एकांतवाद के अनुसार इस जगत के अंदर अनेक सारी वस्तुएं, इस जगत में अनेक वस्तुएं, ठीक है, इस जगत में अनेक वस्तुएं, इस जगत में अनेक वस्तुएं और प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण हैं, प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण हैं। इस जगत में अनेक सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं और प्रत्येक जो वस्तु है उसके बहुत सारे गुण हैं। ये जो सिद्धांत जो कहलाता है वो अनेकांतवाद कहलाता है। अब बात करते हैं सियादवाद की। सियादवाद के अनुसार मनुष्य की बुद्धि सीमित होती है। सियादवाद के अनुसार मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो सीमित होती है। वह संसार की ना तो समस्त वस्तुओं को जान पाती है, ना एक वस्तु के समस्त गुणों को जान पाती है। इसे ही जैन धर्म का सियादवाद का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात मनुष्य न तो संसार की समस्त वस्तुओं को और ना को और न एक वस्तु के समस्त गुणों को ये सियादवाद का सिद्धांत कहते हैं इसे। और ये जैनों का ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत है। ठीक है, मनुष्य न तो संसार की सारी वस्तुओं को और न एक वस्तु के समस्त गुणों को, यानी कि व्यक्ति को जो ज्ञान होता है वो देश काल और परिस्थिति के सापेक्ष होता है। व्यक्ति का ज्ञान देश काल और परिस्थिति के सापेक्ष। ठीक है, अब जैन धर्म की संगीतियों की बात करते हैं। संगीतियाँ, पहली जो संगीति हुई वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय 298 BC के अंदर स्थूल भद्र जो था वो इसका अध्यक्ष था। अध्यक्षता जो की थी उन्होंने स्थूल भद्र ने।
ठीक है। हाँ, इस समय की जो महत्वपूर्ण जो घटना है वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध के अंदर अकाल पड़ गया था। तो अकाल के समय ये सारे जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु, वो दक्षिण के अंदर चले गए। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की है, ठीक है, एक और फैक्ट लिख दो ये, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की है। तो भद्रबाहु के साथ दक्षिण में चले गए, कहाँ पर? श्रवणबेलगोला, कर्नाटका। श्रवण बेलगोला कर्नाटक, वहाँ गए। तो वहाँ जाकर इन्होंने कपड़े वपड़े सारे छोड़ दिए, तो ये दिगंबर कहलाए। इन्होंने कपड़े पहनना छोड़ दिया तो ये दिगंबर कहलाए। और जो उत्तर में रहने वाले जो स्थूल भद्र थे, स्थूल भद्र था, और इसके जो अनुयायी थे, अनुयायी, वो श्वेतांबर कहलाए। इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने संलेखना पद्धति यानी कि भूखा रहकर अन्न जल त्याग कर शरीर को त्याग त्याग देना, शरीर का त्याग करना, शरीर का त्याग। ठीक है, ये तो चंद्रगुप्त प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति के बारे में अपन बात करते हैं। द्वितीय संगीति, द्वितीय संगीति वल्लभी गुजरात के अंदर हुई थी, वल्लभी गुजरात। ठीक है, अध्यक्ष अध्यक्षता जो थी देवाधि क्षमा शमन, देवाधि क्षमा शमन ने की। ठीक है, इस जो संगीति में जो महत्वपूर्ण जो कार्य किया गया वो है, जैन धर्म के जो पुस्तकें थी उनको लिपिबद्ध किया गया है। जैन धर्म के सिद्धांतों की जो पुस्तकें थी उनको लिपिबद्ध किया गया है, कि सिद्धांतों का लिपिबद्ध लिपिकरण। सिद्धांत जो थे उनको लिपिबद्ध किया गया, और जो इनके जो पुस्तकें थी वो जो मावी स्वामी की जो पुस्तकें जो प्रवचन वगैरह थे वो 14 पूर्वों के अंदर जो संकलित थी वो बाद में 12 उनको कर दिया गया। और वो कौन कौन सी थे? 12 अंग, 12 उपांग, 4 प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, अनुयोग द्वार, और 1 है नंदी सूत्र। ठीक है, इसके अलग अलग जो इसके 12 अंग तो है वो नाया दम कहाँ शुत है, भगवती शुत है, आचारंग शुत है। आचारंग सूत्र देख लो आप, आचारंग सूत्र हैं जो उसमें
अचारंग सूत के अंदर जो श्रमण जो श्रमिका थे है ना, जो इनका जो अनुयायी थे जैन धर्म के, उनके आचार विचार आचार का आचार संहिता थी एक प्रकार की। ये भगवती सूत में महावीर स्वामी के उपदेश दिए गए, महावीर स्वामी के उपदेश। इनमें भी जैन जो मुनि थे उनके उपदेश है। जो चंदना थी, चंदना एक लिखित फैक्ट, जैन धर्म के अंदर प्रवेश लेने वाली पहली भिक्षुणी, देखो इसके जो कुछ कुछ कोई शासक भी हुए थे जो जैन धर्म को उन्होंने आश्रय दिया था, हाँ, तो उन शासकों के नाम लिख देते जैन धर्म को आश्रय देने वाले। एक तो उदयन है, अजातशत्रु भी महावीर स्वामी का सम्मान करते थे, अजातशत्रु भी, और बिंबिसार भी इनका सम्मान करते थे, बिंबिसार भी। इसके अलावा देख लो आप जो कलिंग नरेश जो खारवेल हैं, कलिंग नरेश खारवेल हैं, तो वो भी जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इन्होंने आचरण सूत में देखते हैं आचार संहिता थी, भगवती सूत में महावीर स्वामी के जो उपदेश है, नया धर्म में भी उपदेश है। अब जैन धर्म के अंदर देखो, ये उदयन और खारवेल तो थे इनके अनुयायी थे, अजातशत्रु और बिंबिसार ये भी इनका महावीर स्वामी का सम्मान करते थे। आज हमने जैन धर्म के सिद्धांतों और उनकी संगीतियों के बारे में अध्ययन किया। तो इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, समस्या हो कोई समझने के अंदर, तो कॉलेज आइए, कॉन्टैक्ट कीजिए।